हाय एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय माता दी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और सेल्फ लव कर रहे होंगे, ठीक है। और मैंने अपने दूसरे चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे भी मेरी वीडियोस आती रहती हैं। नीचे इंस्टा आईडी भी दी हुई है, अपना व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है। किसी को पर्सनल रीडिंग की नीड है, किसी को हेल्थ वेल्थ नो कॉन्टैक्ट, जैसे किसी का ब्रेकअप हो गया है या किसी को ये लगता है कि हाँ उनके पार्टनर उन्हें कम प्यार करते हैं, सबकी रेमेडी मैं प्रोवाइड करा देती हूँ। पर्सनल आके आप ले सकते हैं, वो पेड होगा, ठीक है, पेड होगा वो। चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं, कि आपके पार्टनर आपके लिए लॉयल हैं। पाइल वन, पाइल टू, पाइल थ्री। आइज बंद करें और तीनों में से जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करती है उस पाइल को चुन लें, ठीक है। पाइल वन, वाओ, बहुत अच्छा कार्ड निकल गया है। डेफिनेटली आपके पर्सन आपके लिए लॉयल हैं और आप दोनों के कनेक्शन, आप दोनों का जो कनेक्शन है वो डिवाइन कनेक्शन है। ऊपर क्राउन बना हुआ है, ये शो कर रहा है कि आप लोगों के रिश्ते के ऊपर ईश्वरीय कृपा भी है। आप दोनों का रिश्ता ऐसा होता है जैसे दिया और बाती का, जैसे राधा और कृष्ण का, शिव और पार्वती का, एक दूसरे के बिना रहना ही नहीं है। आपके पर्सन आपको इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप उनको ड्रीम में भी दिखते हो, हर मार्केट जाते होंगे तो भी वो आपको देखते होंगे ना, हर कोई सॉन्ग सुनते होंगे तो भी आपको देखते होंगे, आपसे बातें करना, आप कितने सुंदर हो ना, हर चीज़ आपकी इनको अट्रैक्ट करती है। और इतना अच्छा रिश्ता है आप लोगों का, खुश हो जाएं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रिश्ता है। बहुत अच्छा कार्ड निकल के आया है सेकेंड पाइल वाले। देखिए इस समय जो आपके पर्सन हैं प्यार डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन वो आपको जाहिर नहीं करेंगे, उनकी एनर्जी स्टक हो गई है, या ऐसे हो सकता है कि वो किसी बात से थोड़ा सा नाराज हैं आपसे, तो आपको उन्हें मना लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ भी डिवाइन हेल्प है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं है, बहुत बातें की होंगी, रिश्ता बहुत अच्छा रहा होगा, एक दूसरे के साथ बहुत समय व्यतीत किया होगा, लेकिन इस समय कुछ लोगों का नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, क्योंकि आपके पार्टनर की एनर्जी स्टक हो गई है। वो आपके बारे में चाह के भी, मतलब सोच रहे हैं, याद करते हैं, लेकिन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, तो ये एनर्जी स्टक एनर्जी हो जाती है, तब ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है। ये थर्ड कार्ड भी यही शो करता है कि ये आपके पर्सन जो भी है माइंड के बहुत तेज हैं, लॉयल। तीनों कार्ड ये शो करते हैं लॉयल तो डेफिनेटली है तीनों के पर्सन, बट प्रॉब्लम क्या है थर्ड कार्ड के अंदर कि ये भी आप मैच्योर नहीं है, मैच्योर होकर इस रिश्ते को नहीं देख रहे, प्यार कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, समय बिता रहे हैं, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आती है, जब शादी की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, शादी करने के लिए एग्री नहीं है, लव कमिटमेंट देने के लिए एग्री नहीं है। बस जैसे होता है, हाँ बातें करना बहुत अच्छा लगता है, लॉयल भी हैं, ये नहीं है कि दूसरे से किसी से और से प्यार करते, प्यार आप ही से करते हैं, डेफिनेटली लॉयल हैं, ठीक है। तो जो जिसके साथ जितना रेजोनेट कर रहा है उतना रखें, बाकी का स्किप कर दें। किसी को टैरोट कार्ड रीडिंग सीखनी है तो इनबॉक्स में आके मुझसे बात करें। बाय एवरीवन।